गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है करवा चौथ, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आप तो आपके परिवार को हमारी तरफ से इस करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह के 7:20 हो रहे हैं और मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया आप सभी के लिए। इस टाइम अभी हम हैं अपने खेत पर दोस्तों, और खेतों में फसल लग चुकी है। आप लोग देख सकते हो, फसल लगा के पानी भी लगा दिया है। लहसुन की फसल लगाई है दोस्तों पूरे खेत में, देखो वहाँ से वहाँ तक पानी लगा दिया है जो, और उधर वाला जो खेत है उसमें भी लहसुन लगा दिया है। पिछले साल इस खेत में लहसुन किया था दोस्तों, उसका ही बीज हो गया था तो वही लगा दिया पूरे में हो गया। वैसे तो इतना महंगा लहसुन है तो बीज तो इतना महंगा खरीद भी नहीं सकते थे, लेकिन था अपने पास इस वजह से लगा दिया है। और देखो गुड़हल पर कितनी अच्छी अच्छी फूल खिले। ये गुड़हल का पेड़ दोस्तों मैंने ही लगाया था, लगा इसको 10 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा दोस्तों। मैंने बिल्कुल छोटा सा लगाया था, देखो कितना मोटा सा और अच्छा खासा हुआ है अभी तक। ये सूखा नहीं, सूखा इस वजह से नहीं दोस्तों क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है। वैसे गमले में होता तो शायद इतना बड़ा भी नहीं हो पाता और सूख जाता, और बहुत ही अच्छे इस पर फूल आते हैं। लेकिन अभी सुबह का टाइम है इस वजह से पूरा नहीं खिला है। देखो ऐस टाइप का गुड़हल है, देखो जब ये पूरा खिलता है ना तो गुलाब की तरह एकदम खूब बड़ा हो जाता है। और बहुत सारे इस पर देखो कली आई हुई हैं, देखो बहुत कली है इस पर, जगह जगह कली है। और चिड़िया ने देखो फूलों के बीच में अपना घर बना लिया है, कितना अच्छा। अभी चिड़िया नहीं है ना, वैसे इसमें अंडे रख लिए होंगे, देखो ये घोंसला रख लिया है अंदर, बहुत ही अच्छा है। सभी का अपना अपना घर होता है, इनका तो घर बहुत ही प्यारा है, फूलों के बीच में बना हुआ है दोस्तों। गाइस इस बार लहसुन लगाते हुए दोस्तों ब्लॉग नहीं बना पाए थे क्योंकि सुलेखा की तबीयत ख़राब थी इस वजह से, तो गांव के कुछ लड़के कर लिए थे तो उन्होंने ये लहसुन लगा दिया। बरसात होती रही इस वजह से झोपड़ी की क्या हालत हो गई दोस्तों। ये देखो पूरा इसके ऊपर जो खर था वो सड़ गया है, लेकिन अब इसको नए से फिर से छा देंगे लेकिन कुछ दिनों बाद। और अभी तो इसकी इसी की मरम्मत कर देंगे दोस्तों। अभी देखो ये साफ़ सफाई करने को पड़ा है पूरा का पूरा दोस्तों, साफ़ सफाई भी कर देंगे क्योंकि दिवाली जो त्यौहार आने वाला है उससे पहले ये साफ़ सफाई कर देंगे यहाँ पर पिछले साल की तरह। ये देखो अनार का पेड़ कितना बड़ा हो गया, ये तो मुर्गा कली हमारे इधर बोलते हैं, आप लोग बताइए इस पौधे का क्या नाम है। देखो कितना बड़ा, देखो अब सर्दियां आ गई हैं दोस्तों, अब बैगन ख़राब नहीं होंगे, किरियाएँगे नहीं, अब बिना ही दवाई के ये अच्छे बने रहेंगे ठीक। देखो कितने ज़्यादा भिंडी भी देखो लगी है इस टाइम, सर्दी आ गई, अब इसमें भी कोई स्प्रे वगैरह नहीं होगी। देखो गाइस टमाटर के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, इसमें देखो टमाटर में फूल भी आने लगा है दोस्तों। अपने खेतों पर ये फसलें देखकर मेरे मन को ना बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम आ गए हैं दोस्तों दूसरे वाले खेत पर, ये गांव के पास में है हमारा खेत। ये देखो इसमें पूरे में पानी लगा दिया, इसमें भी लहसुन की फसल कर दी है, देखो वहाँ से लेकर वहाँ तक वो कोने तक जितने में ये देखो पानी लगा हुआ है ना, गीला है, पूरे में लहसुन लगा दिया। खेतों पर ज़्यादा समय लगा दिया, अब घर पर जा रहे हैं। सुलेखा बोली बस और रुके रहे थे 2-4 घंटे वहाँ क्योंकि आज त्यौहार है दोस्तों, कुछ ना कुछ मंगाना होता है दुकान से। घर पर आ गई है, घर की साफ सफाई चल रही है, सुलेखा देखो सफाई कर रही हैं। गुड मॉर्निंग, वैसे खेत से हम जल्दी आ गए हैं, आज तो बहुत ही जल्दी आए पता है। अच्छा अब तबीयत कैसी है, आराम है? डॉक्टर ने क्या नाम है खून में शॉपिंग की कमी बताई, वो हमने कराई रही है। अब बताओ अब तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, खत्म करवा दिए 20,000 हमारे दोनों लोगों ने। अरे चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी शॉपिंग हो गई है और हर चीज तुम्हारे मन की खरीद गई है, और क्या चाहिए। जय भोलेनाथ। इधर मम्मी भी अपने काम में लगी हुई हैं, गेहूं साफ कर रही हैं। हाँ
कचड़ा हो गया गेहूं में घोने सही रहे जी सही है। मम्मी ने इतने देखो साफ करके रख दिए गेहूं एकदम बिल्कुल। अब चक्की पे डालेंगे इसका आटा पिस जाएगा। अब हम यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे मार्केट के लिए। सुलेखा बोल रही है काफ़ी सारा सामान लेने को है। दोस्तों हमारे इधर करवा चौथ पर कड़ी चावल बनता है, पूड़ी कचौड़ी होती है, सब्जी बनती है। आपके यहाँ पर क्या क्या होता है बनाने को? तो कुछ बहुत कुछ बना सकते हो मिठाई, लेकिन मिठाई हमारे यहाँ तो खरीद लाते हैं मार्केट से। सुलेखा यहीं घर पे बना लियो। वैसे लौकी की मिठाई बढ़िया लगता है। लौकी की मिठाई दिवाली बने अबे ले आई हूं मार्केट तक। कौन सी मिठाई लेके आए? स्पेशल वाली मिठाई खाती तो नहीं हो? गोलगप्पे पैक करा लें ठीक है। ये देखो दरस चोट मार के आ गया, ऐसे लगा लो। बाहर बच्चों के साथ खेलने मत जाना ठीक है, पटाखा चला रहे नहीं आंख सांग में उठक लग जाएगा उसकी ईट गुट्टी। पापा मेरे ग्लास सरिया वाली लेड ले आई हो? ओके बाबू ओके लेके आएंगे। ओ नित्या साइकिल हमें दे, ले आ साइकिल मुझे ले आ। आ गए अपनी दुकान पर, अब अपन भाई को साथ में लेके जाएंगे चलेंगे मार्केट। चलो भाई चलो भाई। और अमन भाई की पहली करवा चौथ इस वजह से इतने भी उपवास रखता है अपनी पत्नी की तरह। ये है उमरैन का मार्केट। ये देखो नाले बनी रखी है, उनमें से एक नाले चले। भैया जो भी सामान था ले लिया खरीद लिया, अब चल रहे चलो ठाकुर भाई। मार्केट से वापस घर आ गए हैं, अब नहा लें दोस्तों, काफी टाइम हो गया है, दिन के 2 बज रहे हैं। देखो दरस यस दोनों नहाकर रेडी हो गए हैं, यस कुछ खा रहा है। तो लेखा ने वो सागर धोल के रख दिए और देखो थाली वो साफ करके रख दिए। पापा एक मैं चला लूं। ये देखो ये लाइट है चकैया और लैला मजनू। हां पापा मैं भी चलाऊंगा, मैं ये चलाऊंगा। पिछले साल लेके आए थे भाई वाले सूखन रख दिए, अब ये फिर से काम आ जाएंगे। पिछले साल नहीं चलाए थे ज्यादा। हैं अभी नहीं, शाम को चलाइयो ठीक। हाँ रात को चलाइयो ठीक। तुम ये वाला चलाइयो, ये वाला अच्छा ठीक है, ये ना मत चलाइयो। आओ ये लाइट चलाइयो। देखो आयुष और आरजू दोनों लोग आ गए। आयुष ये कौन सा पटक्का ले आए? जे वाले हैं। आरजू देखो ये देखो सज धज के आए गए। आरजू तुमने मेहंदी देखा कैसी रखा भाई? जैकिन ने रखी बताओ मम्मी। तुमने कौन से हाथम रखी? जे देखो जी इसने खुद अपने हाथों से रखी है मेहंदी। हाँ अपने हाथों से रख लाई। देखो भाभी जी आ चुकी हैं। सुलेखा बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं कि दीदी अब आ रही अब आ रही। दीदी ले आ चुकी तुम्हारी सुलेखा। सुलेखा बेचारी लगी है, अब टेंशन ना लियो। ले भाभी आ गई, अब जल्दी काम हो गया तुम्हारा ठीक। शाम के 7 बज रहे हैं और आशीष देखो पता नहीं ये क्या नया लेके आया है। पूरी तेरी बहुत आवाज ना कर दिया। सो का जम है जो है का कार्बेट रह जो चीज ऐसी का है जम यार आवाज बहुत जम। मम्मी जगह मम्मी जाइए दी बाप है जब खेल वाले। अच्छा जब पानी चलते हैं हट जा सामने। अच्छा गैस बनिया तो वहीं चलते जा। अरे अब गैस कम बन भाई जा घर ही बना ले। हम कहा खरीद के ले आए जो कहा लगा जो पीछे कहा है जो वो लगो बस खाली लाइटर लगो सिर्फ है जी। नव आइटम है ना खर्चा ना कर जा में आवाज बढ़िया है मस्त। खर्चा मैं भी कपड़े पहन कर एकदम रेडी हो चुका हूँ और ये ड्रेस मुझे नेहा ने गिफ्ट की थी, हमारी साली हैं जो नेहा जी, उन्होंने गिफ्ट किया था मैं पेंट शर्ट। अब वो किस खुशी में क्योंकि उनके जो सिल्वर प्ले बटन आया था यूट्यूब से तो उसी खुशी में उन्होंने हमें गिफ्ट किया था। काफ़ी अच्छी ड्रेस है।
बेचारी सुलेखा कब से तैयार हो रही है, अभी तक तैयार नहीं हो पाई। बस चांद निकलने ही वाला है, जल्दी चलो घूमने चलो, भूख लगी है पानी। बस सब लोगों की पूजा हो रही है इधर, हमारी तो है भाई बैठे। इतनी पूजा करी जा रही गिफ्ट की वजह से, देखो झोला में गिफ्ट रखी भाई भाई, समझ गए बच्चे। दरस दरस गुस्सा ये जा लगा तुम्हें बना, मम्मी ने पापा को मीठा करवाया था, ये सुलेखा गिफ्ट है। अब सुलेखा मुझे दे दे 500 रुपए, अब पार्टी करेंगे। अब जा रहे हैं सभी लोग खाना खाने के लिए, लेकिन सुलेखा ने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जितने भी लोग व्रत रहे उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। भाई जल्दी से खाना ना खा लीजिए सभी लोग। मम्मी खाना खाने लगी है, मेरी भी थाली तैयार है, सुलेखा अपने लिए लगा रही है। सुलेखा खाओ जल्दी, हम नहीं जान भूख ले खा चुके हमारे दोनों। यस दर्श हो गया खाकर खाना।